नमस्कार, मैं अंबी वर्मा और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। तो चलिए आज की कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। भोपाल थाना एमपी नगर में एक बार फिर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं थम रहा है अपराधियों का आतंक। लगातार हो रही चाकूबाजी की घटनाएं, कहने के लिए तो राजधानी भोपाल में कमिश्नरेट लागू है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब से भोपाल में कमिश्नरेट लागू हुआ है तब से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिर पुलिस विभाग और अधिकारी कर्मचारी क्राइम कंट्रोल में क्यों हो रहे हैं लगातार नाकाम, जबकि समय समय पर मीडिया के माध्यम से शहर में बढ़ते अपराध, आपराधिक गतिविधियों, अवैध शराब, लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं, भूमाफियाओं, अवैध उत्खनन, सभी मुद्दों पर लगातार पुलिस को अवगत करवाने के बाद भी पुलिस क्यों नाकाम है? ऐसा लग रहा है मानो पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र की साफ सुथरी छवि को खराब करने पर तुले हुए हैं। किसने बांध रखे हैं अधिकारियों के हाथ? कहीं पुलिस पर तो कहीं पर पत्रकारों पर आए दिन हमले होना आम बात हो गई है। वैसा ही मामला थाना एमपी नगर में आया है, जहां लाल बस में सफर करने के दौरान मारपीट और गाली गलौच और प्राण घातक हमले का मामला सामने आया है। जहां बीते दिन बोर्ड ऑफिस चौराहे पर नितिन साहू के ऊपर वही सवारी सुनील पीड़ित की शिकायत पर धारा 308, 294, 323, 506 का मामला अज्ञात आरोपी पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल डीसीपी महावीर सिंह मुजालदे का कहना है कि बस में लगे सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही आरोपी पकड़ा जाएगा। भोपाल से राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। सर, था ना एमपी नगर क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया, सर बता रहे कोई नुकीली चीज़ें से मारा है सर? ये आपका जो रेड बस है उसके ड्राइवर की तरफ से एक रिपोर्टिंग हुआ है एमपी नगर थाने में। इससे ये शक हुआ था कि कोई जेब कपड़े छड़े हैं, उसकी गतिविधियां ऐसी असामान्य लग रही थी, तो उसने उसको टोका था कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है। तो उस टोका टोकी से फिर वो बाद में जब एमपी नगर आईएसबीटी के आगे आके उतरा है, तो उसने उतरते वक्त उन पर कोई नुकीली चीज मार दी और उसी पर से थाना एमपी नगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। देखिए अभी अज्ञात के खिलाफ है, बट हमारे पास बहुत सारे फुटेजेस उपलब्ध हैं जो आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि बस के अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आइडेंटिफाइड है, बट नाम नहीं पता है, तो अभी अज्ञात के खिलाफ।